रूदार, तो रूदार मुझे आई थिंक मेरे डायरेक्टर ने अप्रोच किया था, एंड मेरे डायरेक्टर मेरे से बहुत टाइम से मेरे साथ काम करना चाहते थे, एंड उन्होंने मुझे अप्रोच किया, स्टोरी भेजी मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो मुझे स्टोरी पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ये वुमेन ओरिएंटेड स्टोरी है और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है. तो मैंने ज़रा भी टाइम नहीं लिया और मैंने हाँ कह दी कि हाँ ठीक है, मुझे ये स्टोरी करनी है. और अश्मित पटेल के साथ शूट था, तो ऑफ कोर्स आई वाज एक्साइटेड बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी लकी प्रोजेक्ट फॉर मी, मुझे ऐसा लगता है अब तक का. तो आई होप सो कि ये सबको बहुत पसंद आए. कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका शूट करने का, अश्विन के साथ काम करने का? एक्सपीरियंस बहुत ही सॉर्टेड था, ऐसा कुछ डिफ़िकल्टीज तो नहीं थी. जैसे कि मैंने बताया, अश्मित इज़ अ वेरी वेरी स्वीट गाय, तो बहुत ही अच्छे इंसान है, उनके साथ बिल्कुल डिफ़िकल्टी नहीं हुई. बहुत मज़ा आया उल्टा काम करने में, बहुत इजी तरीके से काम हो गया. आपको ऐसा है कि एक फिल्म रिलीज होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ ओटीटी, सो वो कैसे आप देखते हैं? देखिए यार, आपको तो पता ही है, आजकल बड़ी से बड़ी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओटीटी की अपनी एक जगह है, बड़े बड़े स्टार्स ओटीटी पे काम कर रहे हैं. सो सिनेमाज भी अभी, थिएटर भी अभी खुल चुके हैं, सब लोग जा रहे हैं थिएटर्स मूवीज़ देखने. तो हर किसी की अपनी एक जगह है, तो जहाँ आपका नसीब होगा वहीं पर रिलीज़ होगा. तो बेसिकली ये ओटीटी के लिए ही बनाया गया था, तो ओटीटी पे रिलीज़ हो रहा है. किस तरह का किरदार रहने वाला है इस फिल्म में? आपके रोल के बारे में कुछ बताइए। मेरा रोल है, जो है मैंने पहले ही बताया, वुमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो लड़की का नाम है शायरा. और ये ऐसी लड़की है जिसको बस प्यार चाहिए ज़िंदगी में, जो उसको नहीं मिलता है अपने पति से, एंड देन ऐसे करके चीज़ें आगे बढ़ती है, एंड देन शी फाइंड समवन, एंड वो रियल है या सोल कनेक्शन है, वो एक बहुत ही यू नो मज़ेदार चीज़ है मूवी में. तो वो आपको देखने से ज़्यादा पता चलेगा. किस तरह की किरदार आप पसंद करती हैं, लाइक कॉमेडी, रोमांटिक, किस टाइप के? मतलब आपको चाहिए कि यार इस तरह का किरदार मुझे निभाना है, लाइक एज एन एक्टर। एज एन एक्टर तो मुझे हर तरीके का किरदार निभाना है, क्योंकि एक्टर जाना जाता है एंटरटेनमेंट के लिए. तो मैं हर तरीके का किरदार निभाना चाहूँगी जो मेरे ऑडियंस को पसंद आए, जो कोई छाप छोड़े और ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने मिले उससे. मैं इस तरीके का किरदार करना चाहूँगी. अभी जितना आपकी जर्नी रही है, जैसे आपने टीवी किया, बहुत सारा काम किया, तो व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री? मतलब क्या ऐसी चीजें हैं जो मतलब आपको चैलेंजिंग लगती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो बहुत फ्रूटफुल लगती है? सो व्हाट आर दोस थिंग्स? चैलेंजिंग इसमें यही होता है कि आपको पेशेंस लेवल बहुत अच्छे से रखना होता है, कि आपके लिए प्रोजेक्ट कोई ना कोई होगा जो आएगा. और अच्छे प्रोजेक्ट की कोई एज नहीं होती है, कि आपको नहीं पता कि आपको किस एज में, जैसे नवाजुद्दीन, कोई आप देख लो नवाजुद्दीन जी को, उनको किस लेवल पे किस एज में जाकर सक्सेस मिली. तो इट्स लाइक कि आपके तरीके का सब्जेक्ट आएगा आपके पास चलकर, लेकिन आपको इंतज़ार करना होगा, पेशेंस रखना होगा, मेहनत करते रहना होगा, आपको फ्रूट्स ज़रूर मिलते हैं, मैं ये मानती हूँ. देखिए, हर किसी की अलग अलग जर्नी होती है, आपको पता ही है. मैं तो मतलब अगर आप पीछे जाएंगे तो मुझे मधुबाला जी बहुत अच्छी लगती है एज एन एक्टर. माधुरी जी बहुत अच्छी एक्टर हैं, उनको मैं इंस्पायर करती हूँ, एंड अभी प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत अच्छी लगती है. ऐसी बहुत सारी एक्टर्स हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है, अपना अपना अंदाज है. तो बहुत सारे एक्टर्स हैं यार. हीरोज़ में मुझे अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं. लास्टली आप क्या कहना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं, फॉर आवर ऑडियंस? मैं बस यही कहना चाहूँगी, रूदार को सब लोग देखें और सब लोग बताएं कैसी लगी सबको फिल्म. और यही कहना चाहूँगी कि इसी तरीके से प्यार देते रहें, जिस तरीके से मेरे वीडियोस को प्यार देते हैं, सोशल मीडिया पे प्यार देते हैं. मैं सबको यही कहना चाहूँगी, थैंक यू वेरी मच, एंड होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको. लास्टली ऐसी क्या दो चीजें हैं कि इस फिल्म में कि लोग जाके देखें और ये लोगों को बहुत अच्छी चीजें लगेंगी? देखिए,
बेसिकली तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी है, इसका नाम ही रूदार है तो आप समझ सकते हैं कि अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत और मेहनत भी बहुत की है हम लोग ने, रात के 4-4 बजे तक शूट किया है इसको। तो मैं चाहूँगी कि सब लोग देखें और बताएं अपने अपने तरीके से बताएं कि कैसी लगी सबको फिल्म। जी, थैंक यू वेरी मच।